दो चीजें थी ना, जो 5 अगस्त का एक्शन था उसमें उन्होंने रिवोक कर दिया आर्टिकल 370, उसके ऊपर हमारी एक 1950s की भी पोजीशन है, फिर 35A है जो बेसिकली वो डेमोग्राफिक्स और दूसरी चीज़ों को डील करता है। तो क्या हमें ये एक शर्त रखनी चाहिए कि 370 और 35A पहले रिस्टोर हो फिर बातचीत होगी, या ये शर्त नहीं रखनी चाहिए? आप क्या कहते हैं? इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। मैं इस पे बात करना नहीं चाह रहा था, आप मुझे कंपेल कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पे यही कहूँगा पाकिस्तान का क्या स्टैंड रहा है तारीखी तौर पर। हमारा स्टैंड तो यह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, यानी ये हमारा लीगल जो क्लेम है कश्मीर पे वो उसकी बुनियाद पर है। वो कहते हैं कि महाराजा ने एक्सेशन किया जिसको हम क्वेश्चन करते हैं, और मैं हम क्या हिस्टोरियंस ने भी इसको कईयों ने क्वेश्चन किया, लेकिन हमारा क्लेम उस पर है। आर्टिकल 370-35 उसके नतीजे में आए जो पंडित नेहरू का मुआहिदा हुआ शेख अब्दुल्ला के साथ। अब ये बात समझने की जरूरत है कि जहां तक इनका है हमने क्यों इससे आइडेंटिफाई किया। हमने इसलिए नहीं कि हमारा केस इसमें बेस्ड है, हमारा केस तो और है, हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, लेकिन हर हुकूमत ने यह कहा कि अगर भारत एक कदम लेगा तो पाकिस्तान दो लेगा, विच मीन्स कि अगर वो आगे चलेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी, यानी कि अयूब खान से मैं लियाकत अली खान ऑन वर्ड्स, मैंने तो किताब में उनके बयान तक दिए हैं, सब ने कहा है डिस्पाइट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के बातचीत के जरिए हल होगी, बातचीत एक पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी दूसरी भी दिखाएगी, लेकिन केस हमारा वहां है। 35 और 370 जो है ये थे शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के एग्रीमेंट के नतीजे में मोरूज़ वजूद में आए, लेकिन हमने इसलिए आइडेंटिफाई किया कि जिस तरीके से भोंडे तरीके से मोदी हुकूमत ने इनको उड़ाया है वो इस बात की गारंटी थी या शहादत थी कि वो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको खत्म करना चाहती है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का केस है वो तो यह है कि पहले ये वहां जो है उसको जो स्टेट रोड इन्होंने खत्म किया है उसको वापस लेके आए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस खत्म करें। नेचुरली जब बात आगे चलेगी तो फिर पाकिस्तान कहेगा कि आपने उनकी डिग्निटी पे अटैक कर दिया है, तो 370 पर भी बात होगी। लेकिन जो बुनियादी मामला है वो ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बंद करें।